दुर्ग के सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी भवन में कैट एवं सिंधी समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयुष्मान कार्ड बनाने का 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन 100 के करीब लोगों ने अपने कार्ड के लिए पंजीयन कराया एवं दूसरे दिन 150 से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन करवाया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कैट के दुर्ग जिला कार्यकारी अध्यक्ष ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। आज यहाँ पर कैट और सिंधी समाज दुर्ग जो है उनके साथ में मिलकर के सिंधु भवन में हमने जो एक उज्ज्वला योजना आयुष्मान योजना चल रही है सरकार की, उसके कार्ड्स बनाने के लिए यहाँ पर एक चॉइस सेंटर भी बैठाया हुआ है, जिसमें चॉइस सेंटर के माध्यम से हम यहीं पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनका आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया चालू रखें। ये 2 दिन का था, कल का था 29 सितंबर और आज है, कल हमने करीब करीब 80 के ऊपर कार्ड बनाए हैं। आज का टारगेट है कि तकरीबन 150 कार्ड हम बना लें। इस पर अगर ज़रूरत रही तो इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे धर्मशाला की उपलब्धता के ऊपर रहेगा, अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे एक्सटेंड भी कर देंगे। सिंधी समाज और कैट के द्वारा संयुक्त रूप से आयुष्मान योजना का, जो सरकार की योजना चल रही है, उस योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत जो हितग्राही हैं जिनको लाभ हो, हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है। यह सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और कृपया मतलब जैसे लाइन से आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो कार्ड बन के 2-3 दिन के बाद मिलेंगे उसका वितरण भी हमारे द्वारा यहाँ किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले उसका हमारे तरफ से प्रयास रहेगा। और समाज इस प्रकार के कई कार्यक्रम यहाँ भवन में लगा चुका है, वैक्सीन का भी पिछले 2.5 महीने से लगातार यहाँ आयोजन हुआ था और आगे भी अभी हमारा प्रयास है कि आगे भी उस वैक्सीन को हमने चालू करने के लिए CMO साहब के एप्लीकेशन दिया है, वो भी चालू हो जाएगी।